जरा इस स्टैचू को तो देखो। 1 मिनट, ये स्टैचू नहीं लड़की है। दरअसल इसका मेकअप एक स्टैचू के तरह दिखने के लिए किया गया है, वो भी एक स्कूल के फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन के लिए, जो बिल्कुल रियल स्टैचू की तरह लग रहा है। और हमारे इंडिया में फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन तो कुछ ऐसा होता है। गौर से देखिए इस जादूगर को, इसने तो जादू करते वक्त पूरा किला ही गायब कर दिया था। दरअसल कोलकाता की जब 300 एनिवर्सरी थी, तब इस जादूगर ने विक्टोरिया महल को कुछ देर के लिए गायब कर दिया, और इनके सिवा ऐसा कोई भी नहीं कर पाया, और ये जादू एक मिस्ट्री बनकर रह गया, और इस जादू का राज उन्होंने किसी को नहीं बताया। इनका नाम है विजय माल्या, और इनका बेंगलुरु में $1 मिलियन का अपार्टमेंट है, और ये कुछ ऐसा बना है। ये इंडिया के सबसे बढ़िया और महंगे घरों में से एक है, लेकिन ये अब इसमें नहीं रहते क्योंकि ये इंडिया में ही नहीं रहते, और अगर ये इसमें रहने के लिए आएंगे तो पुलिस इन्हें दबोच लेगी। आपने नॉर्मल ब्लैक बोर्ड तो देखा होगा, लेकिन ये है स्मार्ट ब्लैक बोर्ड। इसमें एक ऑटोमेटिक इरेजर होता है जो टीचर के द्वारा लिखे गए को आसानी से रब कर देता है, लेकिन रब करने से पहले ये उस नोट्स को सेव करके रख लेता है, और जब किसी स्टूडेंट को नोट्स की ज़रूरत होती है तो वो सिर्फ इस बटन से सब कुछ प्रिंट हो जाता है। और इसके साथ एक सुपर पेन भी आता है, और इस पर चौक से भी लिख सकते हैं। क्या आप इस बर्ड का नाम बता सकते हो? नहीं बता पाए ना। दरअसल ये एक फ्लावर है, ना कि कोई बर्ड, पर ये बर्ड की तरह दिखता है। जब इसे दूर से देखते हैं तो एक छोटे बर्ड की तरह दिखता है, और जो कोई भी इस फ्लावर को पहली बार देखेगा उससे तो ये रियल बर्ड दिखेगा। क्या आपको पता है चाइना का एक डार्क सीक्रेट? जब चाइना में एक ओलंपिक हुआ था तब ओपनिंग सॉन्ग एक 9 साल की लड़की ने गाया था, लेकिन फिर बाद में पता चला कि उसे 9 साल की लड़की ने नहीं बल्कि 6 साल की लड़की ने गाया था। ये तो सिर्फ लिपसिंग कर रही थी। उसे सबके सामने आने का मौका इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो दिखने में अच्छी नहीं थी, और चाइना को लगा अगर ये दिखने में अच्छी नहीं होगी तो चाइना की इमेज खराब दिखेगी। इस चेहरे को तो आप बहुत अच्छे तरीके से पहचानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि 1995 में एलन मस्क अपनी कार को खुद रिपेयर कर रहे थे। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो रिपेयर करा पाएं, और आज उनके पास खुद की $1 बिलियन की कार कंपनी है।